जांजगीर में खड़ी ट्रक से तेज रफ्तार बाइक टकरा गई। दर्दनाक हादसे में मौके पर ही तीन युवकों की मौत हो गई। मामला जांजगीर थाना क्षेत्र के बनारी नेशनल हाईवे का है। नए साल का सूर्योदय सुकमा में शांति का संदेश लेकर आया। यहां नए साल के पहले दिन ही सुकमा पुलिस ने 9 महिला नक्सलियों समेत 44 नक्सलियों का आत्मसमर्पण कराने में सफलता प्राप्त की। आत्मसमर्पितों में 2 लाख का इनामी प्लाटून मेंबर भी शामिल है। बीएन गोल्ड कंपनी के क्षेत्रीय डायरेक्टर द्वारा मुख्य डायरेक्टर गुरविंदर सिंह के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से छोटी छोटी रकम को 5 वर्षों में 2 गुना करने तथा जमीन देने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी मुनिंदर लिखारे आशीष गुप्ता को पेंड्रा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रायगढ़ जिले की जूट मिल पुलिस ने चौकी प्रभारी ने सुने मकान में हुई चोरी में सूचना के 24 घंटे के भीतर ही चोरी के पूरे सामान सहित 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता पाई है। आरोपियों में एक नाबालिग बालक है। खैरागढ़ राजघराने में बढ़ते संपत्ति विवाद को ध्यान में रखते हुए SDM खैरागढ़ ने कमल विलास पैलेस पर ताला लगाने का आदेश जारी कर दिया है। प्रशासन ने खैरागढ़ स्थित कमल विलास पैलेस में भी ताला लगा दिया। कोरबा जिले में राजगमार मुख्य मार्ग पर एक एम्बुलेंस चालक की लापरवाही से भाई बहन बुरी तरह से घायल हुए हैं। साथ ही एक अन्य युवती की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। पीड़ितों का उपचार कोरबा के जिला अस्पताल में चल रहा है। साकरा पुलिस ने 1 जनवरी को 2 आरोपियों से करीब 110 लीटर महुआ शराब कीमत 22,000 रुपए जब्त कर शराब परिवहन में प्रयुक्त बाइक को जब्त किया है। रायगढ़ जिले की कोतवाली पुलिस द्वारा रायगढ़ पूंजीपतरा हाईवे ग्राम लाखा पर मुखबिर सूचना पर एक व्यक्ति को अवैध रूप से चोरी की डीजल खपाने ग्राहक तलाश करते समय पर पकड़कर आरोपी से 70 लीटर डीजल जब्त किया गया है। रायगढ़ जिले के सरिया थाना क्षेत्र के ग्राम साकरा के 13 ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी देखते ही बनती है जब वे 9 वर्ष में अपनों से मिले। सभी 13 ग्रामीण पिछले 1 माह से महाराष्ट्र के सतारा में शक्कर कारखाने में बंधक बनाए गए थे। बोरी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग पॉइंट लगाकर चेकिंग के दौरान टोयोटा तथा मारुति सुजुकी से कुल 38 पेटी शराब मिली है जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1,37,000 रुपए है। परिवहन करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रायगढ़ जिले में बाप बेटे ने मिलकर एक अधेड़ उम्र के शख्स की हत्या कर दी। शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला तमनार थाना क्षेत्र का है। अंबिकापुर पुलिस ने रकम दुगना करने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी के आरोपी पर्रा डांड निवासी हमीद राजा को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर से गिरफ्तार कर लिया है। अंबिकापुर में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद वो फरार हो गया था। नियमित रोजगार की मांग को लेकर कोरबा के कुसमुंडा महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष भू विस्थापितों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान कार्यालय का मुख्य द्वार 5 घंटे तक बंद रहने से कोई भी अधिकारी कर्मचारी न बाहर आ सके और न ही अंदर जा सके। वे लोग फंसे हुए थे। शनिवार को कवर्धा के नंदी विहार कॉलोनी की महिलाओं समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने शराब दुकान के सामने हाईवे में बैठकर सड़क जाम किया। इसके चलते करीब 2 घंटे तक जाम लगा रहा। शनिवार को नक्सलियों ने बीजापुर के कुटरू इलाके में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। ग्रामीण वेशभूषा में पहुंचे नक्सलियों ने सड़क काट कर बैनर पोस्टर चस्पा किए। नक्सलियों ने बैनर पोस्टर के माध्यम से बस्तर फाइटर्स का बहिष्कार किया है।
धान के कट्टों से भरा तेज रफ्तार ट्रक धमतरी जिले के सिरडी टर्निंग पॉइंट पर अनियंत्रित होकर पलट गया। दुर्घटना में ट्रक चालक बाल बाल बच गए। घटना की जानकारी होने पर इसे देखने घटनास्थल पर सुबह ग्रामीणों की भीड़ लग गई। नौ वर्ष के पहले दिन जिले में कोरोना विस्फोट हो गया। 1 जनवरी को जिले में कोरोना के 24 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में मरीज मिलने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। बिलासपुर जिले में कोटा बेलघेना मार्ग के गुरुद्वारा के पास ट्रक से टकराकर बाइक सवार की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कोटा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मृतक के शव को कोटा CSC पहुंचाया। बिलासपुर जिले के सकरी थाना क्षेत्र में युवक के साथ लूट हो गई। कार सवार बदमाशों ने युवक को ओवरटेक करके रोका, उसके साथ मारपीट कर जेब में रखे 1600 रुपए लूटकर फरार हो गए। इस रबी सीजन में छत्तीसगढ़ के किसानों को सिंचाई के लिए बांधों से पानी नहीं मिल पाएगा। इसकी वजह यह है कि प्रदेश में ज्यादातर नहरों में और कई बांध एनिकेट का जीर्णोद्धार और मरम्मत का काम चल रहा है। इसमें से ज्यादातर काम दिसंबर में स्वीकृत किए गए हैं। रायपुर के CMHO डॉक्टर मीरा बघेल ने बताया कि अब पैरासिटामोल, विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सेट्राजिन और पेंटासाइड एमरिकॉन कोरोना के मरीजों के लिए इस्तेमाल की जाएगी।